हेलो व्यूअर्स, दिकाजू किचन में आपका वेलकम। आज एक बहुत ही नया प्रॉन का स्टार्टर आइटम लेके आया हूँ। ये शायद आपको सिर्फ दिकाजू किचन में देखने को मिलेगा। रेसिपी का नाम है प्रॉन पेपरिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मेकिंग प्रोसेस। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे नए नए रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। प्रॉन पेपरिका के लिए ऐसे बड़े साइज का 400 ग्राम प्रॉन लेंगे। पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो देखिए, सारे प्रॉन अभी साफ हो चुका है। ये जो प्रॉन का पेयर है ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होता है, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। प्रॉन पेपरिका की मैरिनेशन मसाला के लिए मैं इधर रेड कैप्सिकम या रेड पेपर 50 ग्राम लिया हूँ, 2 कश्मीरी चिल्ली, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 बड़ा लहसुन, 1/2 इंच जिंजर लेंगे। तो ये सब मसाले को अभी मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। कश्मीरी चिल्ली का सीड्स निकाल देंगे। मसाले को पीसने के टाइम बिल्कुल पानी मत यूज कीजिए, मसाले को बिल्कुल सूखा ही पीसना है। देखिए, मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है। ऐसे सूखा ही पीसना है क्योंकि प्रॉन को फ्राई करने के टाइम ज्यादा पानी निकलता है। प्रॉन को मैरिनेशन के लिए 1 टेबलस्पून हंकड़ पीसी हुई मसाले को डाल देंगे, लेकिन 1 टेबलस्पून बचा के रखिए, उसमें हम रेड कैप्सिकम फ्राई करेंगे। अभी एक अंडा का व्हाइट पार्ट को डाल देंगे, 1/2 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला, सॉल्ट स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर ऐड करके अच्छे से मैरिनेट करेंगे। अभी 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करके अच्छे से मिला के आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। दूसरे साइड पे ऐसे तंदूरी स्टिक को आधे घंटे के लिए पानी में भिगा के रख देंगे। देखिए, आधा घंटा हो चुका है। अभी स्टिक में प्रॉन को लगाएंगे। देखिए, धीरे धीरे प्रॉन में हम स्टिक को लगाएंगे, जैसे प्रॉन हमारा डैमेज ना हो। देखिए, बिल्कुल ऐसे। ऐसे करके सारे प्रॉन को स्टिक में लगा देते हैं। सारे प्रॉन हमारा स्टिक पे लग चुका है। ये जो बचा हुआ मैरिनेशन मसाला है इसे हम फ्राई करने के टाइम यूज करेंगे। अभी पैन को गरम करके 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करके चारों ओर फैला देते हैं। अभी गैस फ्लेम को मीडियम रख के एक एक प्रॉन को तावे में डाल देते हैं। अपने तावा की साइज के हिसाब से आप तंदूरी स्टिक को छोटा कर सकते हैं। अभी बचा हुआ मैरिनेशन मसाला को ब्रश से प्रॉन के ऊपर लगा देते हैं। देखिए, मैरिनेशन मसाला हमारा प्रॉन पे लग चुका है। अभी प्रॉन का दूसरा साइड में भी बचा हुआ मैरिनेशन मसाला को लगा के गैस फ्लेम को सिम करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अभी प्रॉन का दूसरा साइड को भी फ्राई कर लेते हैं। गैस हमारा सिम पे ही है, 4 से 5 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि प्रॉन हमारा अच्छे से पक जाए। बीच बीच पे आप इसको चेक करते रहिए ताकि प्रॉन हमारा नीचे से जल ना जाए। अभी प्रॉन को चेक कर लेते हैं। देखिए, दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसको अभी सर्विंग करेंगे। प्रॉन पेपरिका के साथ एक फ्राइड सलाद सर्व करेंगे, इसीलिए 100 ग्राम रेड कैप्सिकम को ऐसे स्लाइस में कट कर लेते हैं। अभी पैन गरम करके 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करके कटी हुई कैप्सिकम को डाल देते हैं। 1 मिनट के लिए कैप्सिकम को हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। अभी गैस फ्लेम को सिम करके 2 कश्मीरी चिल्ली, स्वाद अनुसार सॉल्ट और बचा हुआ मसाला को डाल देते हैं। गैस फ्लेम को अभी मीडियम में रख के 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको निकाल देंगे। दूसरे साइड में हम इसके लिए एक इंस्टेंट डिप बनाएंगे। तो इंस्टेंट डिप के लिए मैं इधर प्लेन मायो, मिंट मायो और चिली फ्लेक्स लिया हूँ। अभी 1 टेबलस्पून प्लेन मायो, 1 टेबलस्पून मिंट मायो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के इसको मिला लेते हैं। इंस्टेंट डिप हमारा रेडी है। हेलो व्यूअर्स,
देखिए काजू किचन से एक नया आइटम प्रॉन पेपरिका आज रेडी होके आ गया है। चलिए टेस्ट करते हैं। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए। ये प्रॉन पेपरिका के साथ ये रेड कैप्सिकम और ये डिप बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए।